चलो ना, आज का टिफिन का पैसा मिला के कुछ अच्छा खाते हैं। हाँ यार, आइडिया तो मस्त है। अरे ये लोग कहाँ पे रह गए? क्लास भी शुरू होने वाला है, आज मैं चल जाती हूँ। ये दोनों दो दिन से स्कूल नहीं आ रही है, मुझे कुछ बताया भी नहीं कि ये दोनों घूमने तो नहीं चली गई। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। हेलो शिखा। हाँ बोल। सुन, आज शाम को मिलना है, कुछ काम है। शाम को? अच्छा ठीक है, अब तो मैं खबर लूंगी इन दोनों की। क्या तुम दोनों का टाइम मिलेगा मुझसे मिलने का? अब ये बताओ, तुम दोनों दो दिन से कहाँ थे और मुझे बिना बताए? कहीं तुम दोनों मुझे छोड़ घूमने तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं, तुझे छोड़ के हम लोग कैसे घूम सकते हैं? तो तुम दोनों कहाँ गए थे मुझे छोड़ के? वो देख, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मतलब हम दोनों तेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। दो दिन बाद तेरा बर्थडे है ना, तो एडवांस बर्थडे गिफ्ट। जाप चला क्या मेरे लिए? सच में? हाँ, जल्दी जा, जल्दी जा। तुझे पसंद आया? हाँ यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गिफ्ट तो तेरा है, लेकिन सबसे पहले मैं चलाऊंगी। आजा, तू लोग बैठ और मैं चलाऊंगी। हट। हेलो, क्या? ठीक है डॉक्टर, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ निक्की? दीपा, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे जल्दी जाना होगा। अच्छा ठीक है, तू जा, हम लोग प्रिंसिपल से बात करके आते हैं। ठीक है, जल्दी जा। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा मम्मी का हालत सीरियस है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। तू मत रो, हम लोग कुछ करेंगे, तू टेंशन मत ले। ये बता, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कितने मांगे? अभी फिलहाल के लिए 2 लाख जमा करने बोला है, लेकिन यार मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख ही है, और 50,000 मैं कहाँ से लेके आऊँ?
शिखा, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं है कि उसको मदद करें, लेकिन हम लोग तो दोस्त है ना, हमें तो मदद करना ही चाहिए, लेकिन कैसे? शिफा, ये स्कूटी हम लोग बेच देते हैं। क्या तू क्या बोल रही है? निकी और मैंने उसको तुझे गिफ्ट किए है और तू ये बेच देगी? नहीं नहीं, कुछ और सोच। मुझे लगता है इस टाइम पे यही एक सही रास्ता है, ये बेचने के बाद हो जाएगा। लेकिन शिफा, लेकिन भी कुछ नहीं, तो उसके लिए इतना तो करना बनता है ना। अभी चल ये ले और जल्दी जल्दी जमा करके आ। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो तुम लोग? निकी, शिखा ने अपना स्कूटी बेच दिया। क्या तू पागल है क्या? तूने अपना स्कूटी क्यों बेचा? वो तेरे गिफ्ट है। अभी इतना बातें मत कर, अभी जल्दी जा। थैंक यू सो मच यार। तू टेंशन मत ले, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, काश ऐसे दोस्त सबको मिले जो आपके हर मुसीबत पे आपके साथ खड़ी हो जाए। अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है ना, तो उनको अपनी ज़िंदगी से जाने मत देना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर कर दो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।